हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आप लोग यहां पर अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को जो है डिसेबल कर दिए हैं और अब आप लोग यहां पर उसको इनेबल करना चाहते हैं, या तो फिर दोस्तों आप लोग यहां पर अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को डिलीट कर दिए हैं और अब आप लोग उसको जो है डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल में, तो वो आप लोग यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे फ़ोन में प्ले स्टोर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैं सर्च करके भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्ले स्टोर जो है मैंने डिसेबल कर दिया है, तो अब यहाँ पर मैं आपको इनेबल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको अपने मोबाइल में इनेबल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप लोग सेटिंग को ओपन करिए, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एप्लीकेशन में क्लिक करना है। एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सी ऑल एप्लीकेशन में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सॉरी यहाँ पर आपको हाँ यहीं पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको प्ले स्टोर लिख के सर्च करना है। ठीक है, तो जब आप लोग यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन में जाके ऑल एप्लीकेशन में जाके जब आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्ले स्टोर जो है दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्ले स्टोर दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर करके, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करिए। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप इस एप्लीकेशन को जो है ओपन करके क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपको इनेबल का ऑप्शन आता है। तो जब आप लोग यहाँ पर इनेबल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप अभी जो है इनेबल करेंगे तो ना ये आपके मोबाइल में जो है इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सर्च करके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे फोन में फिर से जो प्ले स्टोर है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग भी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को जो है डिसेबल से इनेबल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।